राष्ट्रीय एकता संगठन के समाज सुधारक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष वकील कुमार वर्मा मिले किसानों से। जिला लखीमपुर खीरी गुलरिया पत्थरशाह और लखीमपुर खीरी तहसील निघासन किसान भाइयों के हक के लिए राष्ट्रीय एकता संगठन उनके साथ है। राष्ट्रीय एकता संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष वकील कुमार वर्मा ने यशपाल सिंह से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुने। साथ में ही सुखजीत सिंह उर्फ काला सिंह से भी मुलाकात हुई। किसानों ने अपनी बात वकील कुमार वर्मा को बताई। वकील वर्मा ने कहा, देश का अन्नदाता दुखी रहेगा तो यह देश कैसे आगे बढ़ेगा। भारत सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और निपटारा करना चाहिए किसानों के हक लिए। कितने दिन ये आंदोलन जारी रहेगा, किस स्तर से लेके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आंदोलन तो लगभग 4-5 महीने से चालू है। यह कब तक चालू रहेगा आपका आंदोलन? पंजाब के किसानों ने आंदोलन चालू किया था। सरकार की मंशा ये थी कि हम जो कानून पास कर चुके हैं इस बात से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है, हमारा जो विनम्र निवेदन है कि ये कानून जब इन्होंने बनाए थे तब किसानों को साथ में लेना चाहिए था। और रही बात आंदोलन खत्म करने की, ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे ये तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ये मेरा कहना है। लेकिन जो हमारे किसान नेता जो ये अनशन पे बैठे हैं, जो हमारे अग्रणी हैं, आगे उनका विचार है, जैसा वो निर्णय लेंगे हम किसान के साथ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज किसान एकजुट है, हर काम को भूल कर हम सिर्फ यही इसी बात की हमारा जो है ये प्रण है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये काले कानून जो है ये हमारे लिए एक डेथ वारंट है। इसलिए हमें ये आंदोलन जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक